दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। मैं आपको दिखाऊंगा 100-100 रुपये में परीक्षा पास कैसे करते हैं। 100-100 रुपये में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है इसमें जो है कि उत्तर पुस्तिकाओं में जो 100-200 के नोट निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। 100-100 रुपये में अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसमें पास कर देते हैं। कठिन विषयों में जो है आपने इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इनमें जो है यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों में पेज पर जो नोट चिपका देते हैं कुछ इस तरीके से जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो इस तरीके से ये जो है परीक्षा पास कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है 100-100 रुपये में कॉपियाँ निकल रही हैं नोट, और 200 के एक नोट मिली है। इस तरीके से दो परीक्षक को जो है 100-100, 200-200 के नोट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है 100-100 रुपये में ये परीक्षा पास कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट क्यों, यहाँ पे क्रेट में जो है हिंदी के लिए सर्वाधिक आवेदन आ चुके हैं। ये बात हो रही है शोध के लिए, क्रेट के इसमें जो है आ चुके हैं आवेदन। और यहाँ पर जो है रेलवे की परीक्षा में सेध लगाने वाले जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी बोर्ड की कॉपियां जो हैं आपने देखी होंगी बहुत जल्द चेक हो रही हैं। इसके बाद जो है यूपी की खूबियां जो हैं बताएंगी एनसीईआरटी की किताबें, यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ छात्रों के लिए जो आईटीआई छात्रों के लिए जो हर 4 महीने में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए जो आज करेंगे धरना प्रदर्शन। बात करते हैं अब जो है नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से। मैंने आपको बता दिया नए शिक्षा सेवा आयोग चयन बोर्ड बन के तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर जो है बहुत जल्द जो भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी। इसके बाद इसकी जो शुरुआत की गई थी 2019 में की गई थी, इसके बाद जो है इसके बाद कार्य शुरू हो चुका था। अब जो है चयन बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग होने वाला है। 8 अप्रैल उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसके बाद तुरंत जो है इसमें काम शुरू हो जाएगा। बात करते हैं अब 36,000 पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए। मैंने आपको बता दिया नई भर्ती जो है, अभी जो एक अधिकारी है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि जो है जून के अंत में जो है मई या जून में जो है 36,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है बिल्कुल इसका जो ब्यौरा बन के तैयार है। कितने पदों पर भर्ती आएगी पूरा जो है शासन के पास जो है एडवर्टीजमेंट आ चुका, बस इसको डिक्लेयर करने की देर है। कम से 36,000 पुलिस में पुलिस कांस्टेबल भर्ती आने वाली है। बात करेंगे इसमें यूपी ट्रिपल एससी की जेई 2018 की जो परीक्षा, इसमें जो है कब तक रिजल्ट, इसमें जो है परीक्षा तो हो चुकी थी, साथ में 4-5 कॉपियां ऐसी थी जहां पे जो है भीग गई थी, जिसके अंतर्गत जो है कुछ हो गया था, तो उनका रिजल्ट भी इनके साथ में आएगा। अब जेई 2016 का जो फाइनल रिजल्ट है वो 5 अप्रैल के आसपास जो है डिक्लेयर होने वाला, बन के तैयार है, बस कभी भी इसमें हो सकता है, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो है जेई की नई भर्ती भी जो है आपके मई के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलने वाली, ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार जो है आयोग के द्वारा और जो है कई लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बात करेंगे जो इसके बाद जो है हम TGT PGT की, तो TGT PGT का एग्ज़ाम के डेट भी मैंने आपको बता दिया है कि नया आयोग बनेगा, कम से कम 2-3 से 3 महीने लग जाएंगे, हमने जुलाई तक जो है इसका एग्ज़ाम कराने की पूरी तैयारी चल रही है। बात करेंगे बाबू चपरासी भर्ती की, बहुत जल्द आ रही है, इसको भी तैयार रहिएगा क्योंकि इसका भी जो है जब आयोग बनने जा रहा है तो आयोग से ये बनने जा रहा है, उसी में ही ये भर्ती भी निकाली जाएगी, ठीक है। वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर जो नई अपडेट आ चुकी है, इनका एग्ज़ाम के है जून के अंतिम सप्ताह में कराने की पूरी तैयारी है। इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जेई का जो नया विज्ञापन है यूपी ट्रिपल एससी का, वो आपको जुलाई में देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। पल पल की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।